नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 7 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी संभावना, पटना में हल्की बारिश। जी हां, बिहार में लगातार हो रही बारिश से गर्मी से राहत भी मिली है। हालांकि कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत भी बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी बिहार के 9 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। बाकी अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। इसमें बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, सारण, शेखपुरा और सिवान शामिल है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी अपील की गई है कि लोग बेवजह घर से बाहर न निकले। वहीं पटना में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर में देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग ने दी है कुछ खबरें। 54,000 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायकों की जल्द होगी नियुक्ति। जी हां, बिहार सरकार रोजगार को लेकर सक्रिय दिख रही है। कई विभागों में वैकेंसी पहले से ही निकाली गई है। इसके अलावा कई विभाग नई वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने युवाओं को बिहार में सरकारी जॉब को लेकर खुशखबरी दी है। राज्य में जल्द ही प्लस टू विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों, कंप्यूटर शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों के कुल 54,703 पद सृजन करने की तैयारी की जा रही है। इन पदों को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन पर नियोजन की कवायद शुरू हो जाएगी। वहीं बिहार में सभी 9,360 प्लस टू स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। सहायकों की नियुक्ति भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के लिए होगी। इस तरह राज्य के सभी प्लस टू स्कूलों में कुल 28,080 पद के सृजन की तैयारी की गई है। इसके साथ ही सभी प्लस टू स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बढ़ेगा प्याज का उत्पादन, सरकार किसानों को देगी 50% सब्सिडी। जी हां, बिहार में प्याज की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। नीतीश कुमार की सरकार में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। राज्य सरकार फल से लेकर फूल, सब्जी और दूसरे बागवानी कार्यों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए इकाई लागत पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि खेती में खर्च को कम करके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में राज्य कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय की तरफ से किसानों को मगही, पान, चाय के लिए पहले से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही थी। अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि प्याज की खेती के लिए भी 50% तक की सब्सिडी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्याज की खेती के लिए 98,000 अधिकतम इकाई लागत पर 50% तक अनुदान यानी 49,000 रुपये आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले में सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करके भी आर्थिक अनुदान का फायदा ले सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 10,000 लोगों को रोजगार देगी IRCTC, जल्द शुरू होगी तैयारी। जी हां, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की थी। अब ये वादा धीरे धीरे पूरा होते दिख रहा है, क्योंकि रेलवे की संस्था IRCTC ने बिहार में 10,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बना रही है। इसकी जानकारी खुद IRCTC के उप महाप्रबंधक जफर आजम ने दी है। IRCTC के उप महाप्रबंधक जफर आजम ने रविवार को समस्तीपुर में कार्यक्रम के दौरान बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार लगातार विकास कर रहा है। इसमें रेलवे भी बिहार सरकार के सहयोग से एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें यहां के 10,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जफर आजम ने यह भी बताया कि फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर करेंसी से इनकम और रोजगार टूरिज्म सेक्टर में ही है। इसलिए IRCTC बिहार के CM, डिप्टी CM और पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर नई योजना को लागू करने का काम करेगी। जफर आजम ने कहा कि बिहार खासकर मिथिलांचल के इलाकों को फोकस कर हम यहां के लोगों को विदेश यात्रा कराने के लिए सस्ते दाम पर इंटरनेशनल पैकेज की योजना पर भी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि IRCTC आगामी 10 अक्टूबर से दरभंगा से नासिक तक के लिए 10 दिनों की स्वदेश दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने जा रही है।
इसमें यात्रियों को उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी और नासिक में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी। खबर में देखिए, बीपीएससी में 208 पदों पर बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका। जी हां, बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए 208 पदों पर बहाली निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयोग के अधिकारी की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हो गई है। आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि बीपीएससी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्रधान कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जरूरत है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ भी देख सकते हैं। आयोग के द्वारा मांगे गए आवेदन में अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी अनिवार्य है। हालांकि डिस्टेंस और ओपन विश्वविद्यालय से पास विद्यार्थी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की उम्र 22 उम्र से 65 उम्र के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर वेटेज बनाया जाएगा, इसके आधार पर बहाली ली जाएगी। आयोग के द्वारा निकाली गई बहाली में 208 में से 83 पद अनारक्षित है, वहीं महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित है। साथ ही आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा निकाली गई बहाली के लिए आप 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी अस्पताल में पहली लेजर सर्जरी। IGIMS में 19,000 से लेसिक लेजर सर्जरी, आंखों से चश्मा भी उतर जाएगा। जी हां, बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार लेसिक लेजर के जरिए आंखों का चश्मा हटाया गया। 3 लोगों की आंखों के लेसिक लेजर से इलाज किया गया। IGIMS के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में दिल्ली एम्स के राजेंद्र प्रसाद नेत्र संस्थान के डॉक्टर प्रोफेसर राजेश सिन्हा ने इसके लिए पटना आए थे। IGIMS में डॉक्टर नीलेश मोहन ने उनके सहयोग से इलाज किया। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में एक आंख के लिए यह सुविधा लेने पर 20,000 देने होंगे। वही IGIMS में खर्च आएगा 9,500 का। लेसिक लेजर सर्जरी के दौरान पुतली को फिर से नए सिरे से आकार दे दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चश्मा हटाने के लेजिक सर्जरी वन टाइम प्रोसीजर होता है। 18 साल से ऊपर व्यक्ति को ही यह किया जा सकता है। 18 से ऊपर 40 तक किया जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, RJD में शामिल हो सकते हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी। पटना में लालू और तेजस्वी से की मुलाकात। भोजपुरी में हुई बात, लालू ने तबेला भी दिखाया। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता और बिहार से ताल्लुक रखने वाले मनोज बाजपेयी ने लालू यादव से मुलाकात की है। मनोज बाजपेयी शनिवार को पटना पहुंचे तो देर रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात कई मायनों में खास है। मनोज बाजपेयी अचानक ही लालू यादव से मिलने नहीं पहुंचे थे। दरअसल मनोज बाजपेयी के जरिए तेजस्वी यादव और RJD अपनी ब्रांडिंग कराना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि मनोज बाजपेयी जब राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे तो पहले उन्होंने लालू यादव की तबीयत की जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य बारे में बातचीत की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से घंटों बातचीत की। मनोज बाजपेयी को लालू यादव ने अपना तबेला भी दिखाया। मनोज बाजपेयी के पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि देश के संजीदा अभिनेता, पद्मश्री अभिनेता मनोज बाजपेयी पिता लालू यादव के स्वास्थ्य को देखने के लिए उनके आवास पर आए थे। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करते हुए यह बताया कि लालू यादव और मनोज बाजपेयी में काफी देर तक उनकी मातृभाषा भोजपुरी में बातचीत हुई। सूत्रों के माने तो बीजेपी जिस तरह से फिल्मी कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ जैसे अभिनेताओं को राजनीति में स्थापित करके उनसे प्रचार प्रसार कराती है, उसी तरह से तेजस्वी यादव की आगे की रणनीति यह है कि मनोज बाजपेयी जैसे बड़े अभिनेता को RJD से जोड़े और बिहार के साथ साथ RJD की ब्रांडिंग करे। साथ ही सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में मनोज बाजपेयी राजनीति में शामिल होंगे और उनके लिए RJD फील्ड तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि मनोज बाजपेयी को RJD में राष्ट्रीय स्तर का पद दिया जाएगा, साथ ही उन्हें आने वाले समय में राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद भी बनाया जाएगा। मनोज बाजपेयी बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं, जाति से ब्राह्मण है और बॉलीवुड में एक स्थापित नाम कमा चुके हैं। बड़ी खबर में देखिए, रेप के आरोप पर हम के प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। मांझी के बेटे ने कहा, जांच के बाद दानिश पर पार्टी लेगी निर्णय, जांच जारी है। जी हां, रेप के आरोप लगने के एक दिन बाद रविवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व CM जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने रविवार को कहा कि दानिश रिजवान ने फिलहाल पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। जांच के बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी, फिलहाल जो मामला है पुलिस उसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि 11 साल पुराने एक मामले में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। झारखंड के रहने वाले एक महिला ने
दुष्कर्म की शिकायत झारखंड पुलिस से की थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने 0 FIR कर मामले को पटना के सचिवालय थाना ट्रांसफर कर दिया। रेप का आरोप लगाने वाले महिला का 10 साल का बेटा भी है। सचिवालय SSP काम्या मिश्रा ने मीडिया को बताया कि FIR दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। जिस वक्त का यह मामला है उस वक्त दानिश पटना के एक लोकल चैनल में बतौर रिपोर्टर काम करते थे। बाद में वह राजनीति में आए और मांझी की पार्टी को ज्वाइन किया। अभी DNA टेस्ट की तैयारी चल रही है। DNA टेस्ट के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं। बड़ी खबर में देखिए, बेगूसराय को गोलियों से दहलाने वालों में से 2 नाबालिग, 4 आरोपी में 2 इंटर के छात्र, कोई इकलौती संतान तो कोई गर्लफ्रेंड को मैसेज कर पकड़ाया। जी हां, बेगूसराय में 13 सितंबर की शाम हाईवे गोलीकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नेशनल हाईवे पर 11 लोगों को गोली मारी थी। चारों आरोपियों में से 2 नाबालिग है और 2 बालिग है। इनमें से 2 आरोपी तो इंटर के छात्र है, वहीं चारों के पिता किसान है। पहला आरोपी जैमरा निवासी 17 साल का आरोपी नाबालिग महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल बिहाटा में इंटरमीडिएट आर्ट्स का छात्र है। 2021 में उसने मैट्रिक दिया था। उसके एक भाई एक बहन है। उसका कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं है। वहीं दूसरा आरोपी पिपरा निवासी सुमित कुमार को 15 सितंबर की रात पुलिस ने घर से 2 बजे रात में सोए अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया था। सुमित के पिता भोला चौधरी खेती करते हैं। सुमित ने 2018 में मैट्रिक किया था। इंटरमीडिएट RCSS कॉलेज बिहाटा से 2020 में पास किया था। सुमित अपने माता पिता के इकलौते संतान है। वहीं तीसरा आरोपी परमानंद सिंह के बेटे चुनचुन सिंह उर्फ बाबा को 14 सितंबर को अहली सुबह पुलिस ने पकड़ा। चुनचुन ग्रेजुएट है, उसके पिता किसान है। चुनचुन पर पहला केस 2018 में आर्म्स एक्ट का दर्ज हुआ था। वहीं चौथा आरोपी बिहाटा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग ने 2022 में सेकंड डिवीजन से 10वीं पास किया था। अभी वह बरौनी MPPS कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है। वो 4 में 3रे नंबर पर है। उसकी एक बहन भी है। जनवरी 2020 में नाबालिग को घर से आर्म्स के साथ पुलिस ने पकड़ा था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोचिंग संस्थान से लेकर कारोबारियों के ठिकाने पर सेल टैक्स के रेड, करोड़ों की चोरी का हुआ खुलासा। जी हां, कोचिंग संस्थान भी टैक्स नहीं चुका रहे हैं। पटना के एक जाने माने कोचिंग संस्थान के 600 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, लेकिन GST जमा नहीं करते हैं। वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों ने संस्थान के शहर में मौजूद 3 केंद्रों पर एक साथ शनिवार को छापेमारी की गई। जांच की यह प्रक्रिया रविवार तक चली। जांच के दौरान टैक्स चोरी से जुड़े कई मामले सामने खुलासे हुए हैं। साथ ही पता चला कि फरवरी 2019 से इस संस्था ने GST का मासिक विवरण दाखिल नहीं किया है। इसके बाद पटना के बोरिंग रोड, हनुमान नगर और बाजार समिति में अलग अलग सेंटर है। सिर्फ बाजार समिति वाले सेंटर पर एक समय में 220 छात्र उपस्थित थे, जबकि यहां कागजों की जांच में पता चला कि 600 से अधिक छात्रों का नामांकन है। वहीं प्रत्येक छात्र से औसतन 60,000 रुपए लिए जाते हैं। नियम अनुसार वसूले गई फीस पर 18% GST सरकार को जमा कराना है, लेकिन 1 रुपये भी टैक्स के तौर पर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग ने 16 शहरों पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, खगड़िया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, सासाराम, भागलपुर, जमुई, हाजीपुर और सिवान में अलग अलग व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। इनके यहाँ निरीक्षण के दौरान अलग अलग संस्थानों पर करीब 80 लाख रुपए के माल भी जब्त किए गए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।